Grind News 24. कानपुर में पत्रकारों मीडिया कर्मियों पर आए दिन हो रही घटनाओं को गंभीरता में लेते हुए ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग शुरू कर दी। आशु यादव के घर से कैंडल मार्च निकाला, घंटा घर तक भारत माता की प्रतिमा पर किया समापन। देखिए पूरी खबर सिर्फ ई क्राइम न्यूज 24 पर। कानपुर से फैसल इराकी की खास रिपोर्ट। बुराइयों के खिलाफ जंग का राष्ट्रीय महासचिव एवं ऑपरेशन विजय न्यायिक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, आशु हत्याकांड जो कि एक पत्रकार थे, उनकी हत्या इसी महीने 1 तारीख को हुई और लगभग आज 12-13 दिन गुजर जाने के बाद हुई। अभी तक जो मुख्य आरोपी हैं उनका पुलिस पता नहीं लगा पाई है, ना ही उनको अभी तक अरेस्ट किया है। प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? प्रशासन से हमारी ये मांग है कि क्योंकि ये मामला मीडिया से जुड़ा हुआ है और मीडिया हमारे देश का चौथा स्तंभ है, गरीब पीड़ित लोगों की आवाज़ उठाता है, कम से कम उनकी आवाज़ को नहीं दबने देना चाहिए और जो भी इसमें मुख्य अपराधी हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए। साथ ही साथ इस मामले को हमने गंभीरता से आज परिजनों से मिलने के बाद में ये चीज़ें निकल करके आई हैं कि मामला केवल प्रेम संबंध से जुड़ा हुआ नहीं है, इस मामले के पीछे बहुत अन्य पहलू भी हैं। उन्हें परिवार के एक एक व्यक्ति से हमारे प्रतिनिधिमंडल ने एक एक चीज़ की जानकारी ली है, तो ये सामने आया है कि आशु यादव के ऊपर हत्या के प्रयास पहले से भी कई बार हो चुके हैं और उसको ये डर था कि कई लोग उसकी सुपारी लेके उसको मारना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रशासन सभी मीडिया में ये निकाल रहा है कि वो प्रेम प्रसंग के कारण ऐसा हुआ है, लेकिन पहलू कुछ और है। तो मैं ये चाहता हूँ कि प्रशासन जो है गंभीरता से इस मामले को लेते हुए इसकी तह तक जाए, सच्चाई को बाहर निकल करके लेकर आए। लेकिन हमारा जो उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन है उसकी जांच से हमें बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं है कि सच्चाई बाहर निकल करके आएगी, इसलिए ऑपरेशन विजय न्यायिक प्रकोष्ठ की ये मांग है कि इस मामले की जांच जो है सीबीआई से या किसी उच्च स्तरीय जांच एजेंसी से होनी चाहिए ताकि सत्यता बाहर निकल करके आए। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि ये मामला प्रेस मीडिया से जुड़ा हुआ है, पत्रकार भाई से जुड़ा हुआ है जो कि पीड़ित परिवारों की आवाज़ उठाते हैं और उनकी आवाज़ को इस तरीके से लापरवाही करने से आवाज़ को दबाया जा रहा है। अगर हमारे प्रेस भाई बंधुओं की ही आवाज़ को दबा दिया जाएगा तो आम आदमी जो कि किसी लायक नहीं है उसका क्या होगा। तो मैं चाहता हूं कि इस मामले की बहुत ही गंभीरता से जांच हो, साथ ही साथ हमारा उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हमारे देश के जो जितने भी मीडिया बंधु हैं सब लोग एक साथ होकर के आए, जिससे हमारे किसी भी मीडिया बंधु के संग किसी तरह का अन्याय ना हो।